Thank <laughs> you. बस्म रहीम जैसा कि आपको मालूम है मैं दाऊद जान और हर हफ़्ते लेके आता हूँ आप लोगों के लिए कम्युनिटी राउंडअप के नाम से एक प्रोग्राम ठेक टीवी पर इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं आपको मुख्तलब जगहों पर लेके जाते हैं आज मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ कि यकीन इस जगह को देख के अभी आप जितनी भी हमारे नाजरीने इस प्रोग्राम को देखेंगे तो उनको बहुत अच्छा अच्छा लगेगा और उनका दिल बहुत खुश होगा क्योंकि प्रदेश में वतन से बहुत दूर यहाँ पे ये जो फैसिलिटी बनाई गई है ये वन ऑफ़ द बेस्ट फैसिलिटी है तो हाँ मैं हूँ इस वक्त एक ऐसी जगह पे जिसका नाम है विलेज टेस्ट यानी जैसा कि नाम से पता चला है गाँव और गाँव से हमारी मोहब्बत ज़ाहरी बात है बड़ी फितरी सी चीज़ है गाँव का नाम आती ही एक नेचर सामने आता है अपना कल्चर ती वसा और बहुत सी गाँव से, से मुनसलिक जो चीज़ें हैं जो फ़ौर जहन में घूम के आती हैं मैं इस वक्त बैठा हूँ इस रेस्टोरेंट के यहाँ पर आनर के साथ और अभी उनसे हम बातचीत करेंगे तो मैं सबसे पहले असलम वालेकुम सलाम दाऊद भाई क्या हाल है मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए तो आप नई नहीं, नहीं है मैं आपकी मेहनतों को आपकी काविशों को मुख्तलिफ जगहों पर देखता रहा इससे पहले भी आके एक सेटअप आप चलाते रहे मैं चाहता हूँ कि मेरे ओ नादरी जो इस वक्त आप लाखों के हिसाब से आपको इंडिया पाकिस्तान और साउथ एशियन जितनी भी कम्यूनिटीज़ है आपको देख रहे हैं हमारे वेबसाइट टैक टी वी पर हमारे टी वी चैनल टैक टी वी पर हमारे यूट्यूब चैनल टैग टी वी पे आपको जो लोग देख रहे हैं आप उनसे अपना एक भरपूर तारब कराएँ फिर हम आगे चलते हैं जी वालेकुम जी नाजरीन मेरा नाम फैसल है आ, फैसल चटा मैं पाकिस्तान से पंजाब से हूँ और आ, हम तीन पार्टनर हैं इसको शुरू करने में और सभी का बराबर का रोल है और आ, बाकी कम्युनिटी में शुरू से 2015 से मैं पहले बैंकुट हॉल था मेरे पास स्वागत दाऊद भाई जानते हैं आ, कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं और कम्युनिटी भी भरपूर साथ दे रही है तो शुक्र अलहमदुल्लह एंड uh, ये रेस्टोरेंट भी जैसे दाऊद भाई को पता है सिर्फ और सिर्फ़ अपने कल्चर को uh, कायम रखने के लिए उसको उसको उजागर करने के लिए ताकि जो हमारे बच्चे हैं यहाँ पे वो भी इससे कनेक्टेड रहें सिर्फ फूड नहीं है कल्चरल उसको साथ लेके चलना ये मकसद था नाम बड़ा यूनिक नाम रखा है विलेज टेस्ट रहते तो आप शहर में माशाल्लाह इतना हज़ारों किलोमीटर हज़ारों मील दूर आप यहाँ पे पहुँचे हैं सात समंदर वैसे तो समंदर ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन साथ समंदर सात समंदर आप यहाँ पे पार यहाँ पे आए हैं तो नाम जो आपने इतना ज़बरदस्त विलेज टेस्ट या यहाँ पे बाकी जो अभी वीवर देखेंगे जो गांव से मुंसलिक जो चीज़ें हैं जगह जगह हर दीवार के साथ हर कोने के साथ ऐसी ऐसी जगह जो मुझे वाकई इसके नाम हमारे बच्चे भूल चुके हैं नाम किस तरह सजेस्ट हुआ कैसे जहन में आया इस पर कितना सोच विचार हुआ आइडिया किसका था आइडिया इसलिए ये था कि लोग शहरों से यहाँ पे जो बच्चे जाते हैं शहरों में घूम के आ जाते हैं वो शहरों से तो वाकिफ़ हैं सारे बड़े शहरों से पशावर कराची लाहौर इस्लामाबाद लेकिन जो गांव में एक माहौल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है और उसमें बैठना रात को जैसे आप ये देख रहे हैं ये, ये लाइक वो रात को जो पंचायत होती है जो डेरों में आपको भी पता है पिशावर साइड पे भी जो छोटे गांव में जिस तरह के और एक्चुअल जो घर होते हैं वो तो उसको आ, मकसद था उजागर करना और उसका उसके साथ नाम भी विलेज सो, सोच सोच के इसलिए रखा था और विलेज टेस्ट भी के अपने हमारा फूड भी आई थिंक हम वायद हैं कि हमारा कोई मिक्स नहीं है हमारा पाकिस्तानी हर कुछ करते हैं पाकिस्तानी टेस्ट दें और इसीलिए आप देख रहे हैं जो ये जो मट वाल का हमने शुरू किया था असल में रियल मट वाल से लेकिन वो इंस्पेक्टर को बुलाया और उससे सजेशन ली उन्होंने कहा कि कंटेमिनेशन आएगा तो फिर अंजिम भाई हमारे साइंस टू तो गो वाले उनसे मिल के ये मैं ये नहीं कहूँ लेकिन डिजाइनिंग सारी मेरी अपनी है बाकी काम उनका और अलहमद बड़ा अच्छा हुआ है इसमें और भी करेंगे हम कल्चर को साथ लेके चलना चाहते हैं और बेसिक कल्चर शहर तो बाद में आए पहले गाँव थे हमारे उसके बाद शहर बने फिर शहरों में लोग आ गए और अच्छे लोग रहते हैं गाँव में भी उनको उनका भी पता होना चाहिए अच्छा फैसल भाई मुझे ये बताइए यहाँ पे जितनी भी मटके हैं मटका जिस चीज़ पे रखा हुआ है हम उसको पुछतू में गढ़वंश कहते हैं आपका मुझे नहीं पता कि क्या इसको कहते हैं दूसरा ये यहाँ पे जितनी भी आप यहाँ पे जो टेबल है यहाँ पे जो लालटेन लगा हुआ है यहाँ पे जो जिससे चच जो है ये सारी चीज़ें ये मंगाई कहाँ से आपने यहाँ लोकल मेड है या आपने इसको पाकिस्तान से मंगाया जी इसको पाकिस्तान से मंगवाया था मेरे एक दोस्त से वो काम करते थे इधर इसको पाकिस्तान से मंगवाया था जैसे आप इस पे बैठे हैं ये हमारा ड्राइंग रूम का एक फर्नीचर होता था इसको आ, हम पीढ़े कहते हैं रंगले पीड़े भी पंजाबी में कहा जाता है उसको हम भी कड़वंजी कहते हैं कड़वंज भी कहते हैं पंजाबी भी इस तरह है। तो ये कल्चर चारपाई यहाँ से ली थी एक दोस्त से लेकिन बाकी सारा जो है ना वो पाकिस्तानी किया था और कड़वंज वगैरह वो खुद इधर बनाई थी सही कोविड के दौरान कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और अब क्या एक्सपीरियंस है जबकि ज़िंदगी खुल रही है लोग आ रहे हैं और कैसा लग रहा है आपको जी दाऊद भाई कोविड का पीरियड क्योंकि हमारा टेक आउट कॉन्सेप्ट नहीं था ये डाइन इन बड़ा, बड़ा बफे रेस्टोरेंट है आ, बड़ा टफ़ टाइम था लेकिन अलहमदिल्ला वो भी गुजर गया उसमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है जो चीज़ें हम हमें आइडिया नहीं आ रहा था ऑनलाइन का ये सब कुछ और अब माशाल्लाह कम्युनिटी ने दोबारा साथ देना शुरू किया है फ़्लो अच्छा है अब 50 परसेंट भी नहीं बल्कि लास्ट वीक की फुल कैपेसिटी हो गई है तो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही है और लोग निकल रहे हैं लोग निकलना भी चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं इंशाल्लाह शाला अल्लाह तला की मदद से सब ठीक होगा वैसे बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी बर्दाश्त किया है कोविड की वजह से लेकिन फिर भी जैसे कि ज़िंदगी खुल रही है तो लोगों के लिए कोई स्पेशल ऑफर कोई डिस्काउंट वीकेंड पे या सचर डे पे ताकि मोटिवेट द पीपल ताकि घरों से निकले है कोई स्कीम प्रोग्राम वगैरह जी हमारे जैसे आपको पता पार्टी हॉल्स भी हैं हम अलहमदिल्ला हमने रेट्स वो रखे हुए अभी भी मार्केट से काम है हम अपना सारा स्कूल ले बड़े ग्रुप आते हैं डेफिनेटली हम उनको डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं उनके लिए टेबल वगैरह जैसे जैसे उनका सेटअप का होता है उस तरह करते हैं बाकी ब्रेकफास्ट बस बफे आ, आप, आप ख़ुद भी आए हैं आपको पता है तो अभी इनशाला रमज़ान बफे हम स्पेशल बफे लगा रहे हैं और इन कम प्राइसेस पे भी होगा और सभी के लिए सभी के लिए हर वक्त प्रमोशन के लिए हम आन है सजेशन के लिए भी और इन कम्युनिटी के, के साथ चलने के लिए हम हम ऑलवेज जो है ना वी विल बी देर जैसा कि फैसल भाई ने आपको कहा कि हमने रमज़ान के लिए कोई स्पेशल ऑफर इसके अलावा इनकी वीकेंड पे यहाँ पे इनके यहाँ हाल बने हुए हैं इनकी एक फैसिलिटी है इसके बारे में इनसे जानते हैं आप लोगों ने यहाँ का खाना ज़रूर टेस्ट करना है जानते हैं फैसल भाई आप हम ये बताएं कि यहाँ पे आप लोग जो फैसिलिटी बनाई है कितने लोगों के बैठने की गुंजाइश है और दूसरा आपने यहाँ पे नाम बड़े रखे हैं रावी चनाब और मख्तल हाल बनाए हुए हैं ये ज़रा इसके बारे में भी आप हमें बता दें और अगर कोई आना चाहें तो कोई फंक्शन कराना चाहिए तो आपके पास कितने लोगों के फैसिलिटी हैं और वक्त कितनी इवेंट्स आप अरेंज करा सकते हैं जी दाऊद भाई हमारा जो बड़ा हॉल है इसमें 130 की कैपेसिटी है जिसमें स्टेज वगैरह भी है प्रॉपर पार्टीज़ के लिए है एंगेजमेंट एनिवर्सरी वगैरह और छोटे हॉल में गैदरिंग रूम है छोटी बर्थेज़ के लिए 70 का वो रूम है उसमें स्टेज नहीं है उसके अलावा हमारे पास थ्री डाइनिंग रूम है हमारा सबसे बड़ा डाइनिंग दा, रूम जो है उसमें बड़े ग्रुप्स आते हैं आ, वो सेवेंटी टू एटी पीपल का है और दूसरे जो दो डाइनिंग रूम है फिफ्टी फिफ्टी के हैं ऑल टुगेदर अबाव फोर हंड्रेड कपैसिटी एट ए टाइम और हम हमारा बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है अगर किसी ने रेजर्वेशन करानी हो तो वो तो आके हमसे मिल सकते हैं हमें कॉल कर सकते हैं लेकिन उसके अलावा अगर आपने वैसे रिजर्वेशन करानी है टेबल रिजर्वेशन करानी है तो आप वेबसाइट पे अप टू थर्टी पीपल का कर सकते हैं आप अपना टाइम स्लॉट चूज़ कर सकते हैं उसमें कर सकते हैं आगे इन हमारी होगी और बाकी रह गया नाम क्यों रखे थे नाम देखें हम पाकिस्तान एक है शहर माशा बहुत ज़्यादा है अब शहरों के नाम नहीं रखे और आपको पता है मोस्टली रेस्टोरेंट में ट्रक कार्ड और ये सब कुछ सब लोग इससे वाकफ़ हैं ये क्योंकि विलेज का कल्चर था तो जितने भी दरिया हैं पाँच आपके मशहूर दरिया थे सतलज सतलज आप तो थोड़ा ड्राई हो गया तो आपको पता है गाँव वाले एरियो से गुजर गुजर के जाते हैं तो हमने दरियाओं के ही नाम रखे हैं तो चनाब और रावी आपको पता है पंजाब में सिंध में सारे जाते हैं तो ये पांच दरियाओं के ही नाम नाम पे रखे हैं हाल सही। चले कभी कभार मैं दरियाओं में तोनी रश की मैं कहता हूँ कि ऐसी तोगयानी आ रश बहुत हो माशाल्लाह तो अच्छा मैं आपसे अब फैसल भाई यही पूछना चाहूँगा कि आपने चूँकि पाकिस्तानी दरियाओं के नाम रखे हैं आपके जितनी भी यहाँ पे लोग आते हैं खाना खाने आते हैं या फंक्शन करने आते हैं या इवेंट करने आते हैं तो ये सिर्फ पाकिस्तानी आते हैं या नहीं ये मल्टी कल्चर इंडियन चाइनीज़ बाक़ी बंग्लादेशी पखतून अफगानिस्तान के लोग ये लोग भी आते हैं या मतलब सिर्फ आपने महदूद रखा हुआ है पाकिस्तानियों तक जी मेरी माशाल्लाह जो है ना अपने पाकिस्तानियों के अलावा आई कैन क्लेम दैट के थर्टी परसेंट जो है ना वो दूसरी कम्यूनिटीज़ आती हैं और जिसमें शुमाली कम्यूनिटीज़ है अफगानी कम्यूनिटी बहुत आती है अपना ये ये सारी कम्यूनिटीज़ आती हैं और पाकिस्तानी डेफिनेटली पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बहुत हैं लेकिन आ, कुछ आ, कम नहीं है थर्टी परसेंट एटलीस्ट मेरे वीकेंड पे जो है दूसरी कम्यूनिटीज़ होती हैं और दे दे लव टू सी द कल्चर और यही हमारा मोटिव है कल्चर दिखाना आप एक चीज़ सॉरी ऐड कर दूँ आपको आपने देखा होगा मेरा सिर्फ अपनी लैंग्वेज लिखी हैं कुछ इंग्लिश वगैरह नहीं लिखी सिर्फ इसलिए कि बच्चा बैठ के अपने पेरेंट्स से कुछ क्वेश्चन करे कि ये क्या है तो उनका उनके आपस में डिस्कशन हो उनको कल्चर का थोड़ा और पता चले बस यही मॉडल है वेरी गुड अच्छा मुझे बताएं ये बताइए जो बाकी पुर्तगीज़ और ग्रीक आपने बताया उनके लिए कोई स्पेशल खाने हो पाकिस्तानी फ़ूड खाने आते हैं जी हमारा जैसे नाम पाकिस्तानी है हमने यानी इंडियन फूड माशाल्लाह बड़ा अच्छा है लेकिन मैंने बड़ी कोशिश से गूगल पे भी पाकिस्तानी को मुतारफ़ कराया वी आर जस्ट पाकिस्तानी और पाकिस्तानी खाने ही खाने आते हैं तो मैं ये कहना चाह रहा था कि बाकी लोगों का रिव्यू क्या है खाने के हवाले से जी रिव्यू बड़े अच्छे हैं दूसरी कम्यूनिटीज़ के बड़े स्ट्रांग रिव्यूज़ हैं और आ, हमने इवन उनसे सजेशन भी लेने की कोशिश की वैसे एंटरटेनमेंट के लिए कि कुछ और फूड चाहते हैं दे लव टू हैव पाकिस्तानी फूड एंड दे नेवर हैड एंड समाइम दे गेट सरप्राइज़ के इट्स जस्ट अ पाकिस्तानी इट्स नॉट अ पाकिस्तानी इंडियन तो उससे उनको उनको पता चलता है कि टेस्ट में भी क्या फ़र्क है आपको पता है हर कॉन्टीनेंट का थोड़ा होता है हर मुल्क का वहाँ वो मीट और तरह बनाते हैं हम हम हैं ही मीट खोर हम और तरह बनाते हैं तो पाकिस्तानी फूड को लेकर चलेंगे और पसंद करते हैं वो स्पेशलिटी क्या है बिरयानी है यहाँ पे फिश या मिसाल के तौर पर गोश कोई ऐसी स्पेशलिटी जिसको लोग याद करते हैं या प्राउडली इसको क्लेम करते हैं जी मेरा जो ब्रेकफास्ट में जो हमारा साग पराठा है वो और हमारा ही बफे है जिसमें हम साग पराठा बफ़े में देते हैं उसके अलावा हम वीकडेज़ में अलग काट करते हैं कढ़ाई फ़्रेश कढ़ाई वगैरह तो हमारी कढ़ाई चिकन कढ़ाई ब्लैक पेपर बड़ी स्पेशल है तड़का दाल बड़ी स्पेशल है और बफे में हमारा खीर हमारी चने और दाल माश उसके अलावा मुगलाई चिकन और गाजर हलवा ये बहुत फेमस है सही। मुझे अब ये बताएं कि मैंने सुना था किसी जगह पे कि अब अब आई डोंट नो कि आप इस बात को कैसे ले लेते हैं महसूस करते हैं आई डोंट नो अच्छी बात थी विल टेस्ट का एक मैंने देखा हुआ था कि यहाँ पे जो काना बच जाता है वो काना यहाँ पे ऐसी जगहों पे पहुँचाया जाता है जहाँ पे इसकी ज़रूरत हो और उसके लिए आपको वॉल्टियर्स की भी तलाश थी पिछले दोनों मैंने कहाँ पढ़ा हुआ था ये क्या किस्सा है ये क्या प्रोसेस है देखें दाऊद भाई मेरा बिलीव है कि मैं कम्युनिटी को वो फीड करूं कि जो अपने बच्चों को फीड कर सकता हूं फ्रेश हो इंटेंशनली कोई गलती ना हो अन अल्लाह ताला की ज़ात जानती है और उस लिए हम पहले दिन से एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है ज़ीरो फूड वेस्टेज उनके साथ हम काम करते थे एवरी बफे के बाद जब भी हमारे पास बफे वो रात को आ जाते थे वो अपना जो बफे लेफ्ट ओवर है पैक करते थे और होमलेस को और या जो भी नीडी पीपल है उनको जाके वो देते थे अभी वो थोड़ा सा स्लो हुए तो इसलिए मैंने फेसबुक पे डाला था कोई और भी हो ताकि मैं खाना ज़ाया नहीं करना चाहता और ना मैं उसको स्टोर करना चाहता हूँ कि मैं उससे पैसे बनाऊँ तो मेरा मकसद ये था कि वो किसी को पहुँच जाए और हमेशा कुछ ना कुछ बचता ही है तो यही यही थी कि किसी के किसी के हिस्से का खाना उसको मिल जाए दुआ भी करेगा और हमारा भी ईमान कायम रहेगा वेरी गुड आपने सुना और फैसल भाई की सबसे बड़ी अच्छाई जो मैं पहले आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो भी खाना आ, बच जाता है या ये समझते हैं तो एक तंजीम के साथ काम करते हैं और फिर यही खाना वो अपना वॉल्टियर्स के जरिए उन लोगों तक पहुंचाया जाता है जहां पे इसकी ज़रूरत हो अगर आप यकीनन वॉलंटियर बनना चाहते हैं तो आप फैसल भाई के नंबर पे रबिता कर सकते हैं विलेज टेस्ट आप कॉल कर सकते हैं और इनसे मालूम ले सकते हैं फैसल भाई ये बताएं कि आपके वो दोस्त जो यहाँ पर नहीं है और पाकिस्तान में हैं और जब वो आपका ये प्रोग्राम देखेंगी या आपकी इससे पहले जो प्रोग्राम गए हैं या जिनको आपके फेसबुक या आपके सोशल मीडिया इंस्टाग्राम से पता चला हो कि आप इतना अच्छा काम करें यहाँ पर अपने कल्चर को भी प्रमोट करें बहुत बेहतरीन कहना भी दे रहे तो क्या कहते हैं वो लोग आपको जी मैं रिसेंटली भी पाकिस्तान गया हुआ था जैसे आपको बताया तो अप्रिशिएट करते हैं और अच्छा और पूछते हैं कि कैसे ये मुमकिन है कि वहां को मतलब होता है और जब बताते हैं कि इतनी बड़ी जगह है और हमने ले के भी पाकिस्तानी कल्चर चल रहे हैं और अच्छा ही रिस्पांस मिलता है बड़ा सपोर्टिव रिस्पांस मिलता है फिर इस वक्त आप ये देख रहे हैं जहाँ पे मैं बैठा हूँ जी बिल्कुल आपको गांव का एक सेटअप लग रहा है वही मोड़े अगर मैंने मोड़ी ठीक बोला है ना मोड़ी मोड़ी। आ, मोड़े तो खैर ये और ये का फ़र्क तो मैं बैठाना भी गुजारा करें कर आप मेरे साथ थोड़ा बहुत ठीक है तो ये आप देखें मोड़े और ये यहाँ पर आप ये इन्होंने अभी जो चीज़ें और भी यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं तो मैं आप लोगों की इजाज़त से फैसल भाई को लेकर अब यहाँ पर थोड़ा सा જરા સા ગૂમ લઉમે તો આપકો દિખાતા હું આપ આયને મેરે સાથ ઓર જર મુજે બતા દીજીગા સાથ સાથ અબ ઇસ દીવાર પે ક્યા લગા હે મુજે યે બતાએ જી દીવાર પે યે છજ છે આપકો પતા હે યે વો દાને ક્લીન કરને કે લિયે ગંદમ વો કામ aata hai चावल યે હમારે ગાવ કી હો ગયા યે આપકો પતા હે રોટીઓ કે લિયે હમારે પૂરે પાકિસ્તાન મે હર કિસી ભી ઇસકો હમ બોલતે تھے ચકરોટી આપ ઇસકો ક્યા બોલતે થા શબા બોલતે હે શબા 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 ઓર ઇસકો છજ છજ तो इस तरह ये पिक्चर्स मैंने वो वैसे बनवाई थी ये फैब्रिक पे बनी हुई आपके एपटाबाद से बनी हुई फैब्रिक पे बनी हुई घोड़ों की पिक्चर है एक शौक के लिए घोड़ों के लिए तो आ... मैं चाहूँगा कि जो और हमारे इस वक्त डायरेक्टर भी है इस प्रोग्राम के वैसे तो एंकर भी है खबरें भी कोई काम छोड़ा है इसलिए नहीं, नहीं है तो इश्फाक भाई आप जरा ये भी बताएं कि दीवार पहले बनी थी मट की लेकिन चूंकि यहाँ पे फूड और यह जो इंस्पेक्टर वगैरह आते हैं उन्होंने कहा कि आप इसको कंटेमिनेशन के लिए आप इसको ज़रा वाल पेपर लगा दें ये वो जगह थी यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मूढ़ी तो आपने दिखा दी अब इधर आए ये ज़रा थोड़ा सा अभी इसको ज़रा एक सेकेंड हमें देंगे तो हम आपको दिखाते हैं कि जी ये है वो चारपाई जो आपने यहाँ से ली थी इसके बारे में जी जी ये अभी मेरा दोस्त है जो काम करता है उससे चार पे ये ली थी ये जरा बताएं ये क्या चीज है ये कड़वंजी है जो हमेशा गांव में पड़ी होती है आपको पता आपके पास भी मेरे हाल यही नाम चलता है तो इस पे आपको पता है कि पानी पड़ा होता था और मटका इसकी खासियत है कि पानी ठंडा रहता है और प्योरीफाई हो जाता है तो हमारे बहुत से बच्चे अब ये चीज़ शायद जानते भी हो या ना हो लेकिन हमने इसको देखा हुआ है और इसको देख के एक अजीब किस्म की तस्किन मिलती है ऐसा है ना फैसल भाई अच्छा ये बताएं ये जो चीज़ जिसको हम आ, आप तो वो तो मूला था ये क्या है इसको हम पंजाबी में और उर्दू में तो पीढ़ी कहते हैं पश्तो का नहीं पता <laughs> <पष्ट>। <laughs> जरूरी नहीं कि हर बात का पश्तो में जवाब नहीं दे। वेरी मच इश्वाक ने मुझे बताया खटके खटके इसको कहा कट की छोटी सी बच्ची है या कट की छोटी सी मतलब खेड है कट हाँ। के। तो अच्छा ये जरा थोड़ा सा ये जरा हमें बता दीजिएगा कि ये इससे पहले एक तो ये देखिए बिस्मिल्ला साई दीवार जी इसमें हमने जितनी लैंग्वेज का मुझे पता था उसका एक वेलकम ग्रीटिंग लिखी हुई है बलोची में अजियान करड प्लेकर और प्रखैर आ गले तो हमें बचपन से पता था बिस्मिल्लाह साई ई स्ट्राइकी में आ गया और इसी तरह आ, ये चरखा है जो गांव के तकरीबन हर घर में होता था पुरानी औरतें इस पर ऊन बनाना और वो धागे बनाना और इस पर से ना इसका होता था जी दरवाज़ा देखें लकड़ी का सब जैसे मैं गाँव गाँव आपको पता है हवेलियों में पशावर में भी गाँव में ये हवेलियों के डोर इस तरह होते थे तो उसी में ये प्रिंट ये ग्लास डोर तो है लेकिन इसके ऊपर सारा प्रिंट हुआ है और बड़ा अच्छा माशाल्लाह प्रिंट करने वाले भी नहीं किया है कि ऐसे लगता है जैसे हवेली कई कस्टमर आके पूछते भी हैं कि ये ओरिजिनल वुड क्या है क्या है कहाँ से मंगवाया है लालटेन आपको पता है पखी तो आपको पता है पंखा हाथ की बबोजे, बबोजे तो वो इसका आपको पता है ये जो नीचे है ये मधानी हमारे आपके आप क्या पश्तों में क्या कहते हैं इसको ये नीचे वाले को हम से बोलते थे या जो भी इसको कहते हैं लेकिन तो ये ये जो है इसको हम कहते थे मंदाणु

तो इसका ऐसे दरवाजे का शेड ऐसे बना हुआ है जैसे आधा दरवाजा खुला हुआ है तो आपको दूर से ऐसे ही लगेगा ये उसकी वो पुरानी तरह की वो चुटकनी जो है वजन जी जिसको कहते हैं अच्छा इसकी आप बात कर रहे थे तो ये जगह आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो क्योंकि जो छोटे बच्चे वालदेन के पास आते हैं तो अक्सर फरमाइश करते होंगे क्योंकि ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं मटका वो जो छोटी छोटी खिलौने ये हम मेलों में ईद के दिन जाके अपने वालदेन से फरमाइश करते थे कि हमें लेके दे दे या हम खुद लेते थे, थे मेलों में ये चीज़ अब तो ये नायाब हो गई है बरल आपके लिए छह दिन जरूरी है बच्चों के हवाले से जी सबसे ज़्यादा फरमाइश औरतों की हमारी बहनों की होती है क्योंकि उन्होंने कोई चीज़ पकड़ के पिक्चर वगैरह खिंचानी बच्चे भी डेफिनेटली तो कोशिश करते हैं ये करें बच्चे पकड़ें उनको पता चले कम अज़ कम हमसे पूछें ये क्या है पेरेंट्स से पूछें यही हमारा मकसद है दाऊद भाई और बाकी खाना तो आपको पता है हर जगह पे मिलता है आ, आ, फैसल भाई ये मुझे ये बताएं माशाल्लाह आपके पास बहुत कैपेसिटी है पार्टी रूम मीटिंग रूम यहाँ पे कल्चरली बड़ा रिच ऐसी चीज़ें जिसको देख के वाकई बंदे का दिल बड़ा खुश हो जाता है वतन से मोहब्बत एक फितरी अमल है ज़ाहरी बात है इतना दूर हो के जब इन चीज़ों को देते हैं तो इमोशनल हो जाता है बंदा यहाँ पर जो भी लोग आते हैं तो इस किस्म के बातें आप ज़रूर सुनते होंगे ये जहाँ पर हम कड़े हैं कुएँ के सामने कुएँ के सामने हम कड़े हैं तो ये कुआं और इसके पीछे ये जो एरिया है ये क्या है और ये आपने जिस तरीके से इसकी सेटिंग की है इसके पीछे लॉजिक क्या है एक तरफ कुआं उसमें बाल्टी पर लाटेन अभी तो बताए ये हाय हाय ये ये क्या ये जो आप कंसेप्ट है ये लोगों को मोटिवेट करने के लिए लोगों को जज्बाती करने के लिए देखिये ना जब खाना अच्छा हो फिर बंदा कहता है कुछ ना कुछ तो एक वर्ड है एक ड्रामा अभी आया था वो भोले का बड़ा सेंग थी और बड़ी फेमस हुई थी वायरल हुई थी उस पर लिखा था हाय हाय मजे इसी तरह खाना शाना अब हम इसको फूड नहीं लिख सकते क्योंकि वो इंग्लिश में आ जाता है तो हमने अपनी जबान लेके चलनी है।, खाना शाना है खाने के बाद फिर आपको पता है वो स्वाद ही आता है तो अच्छा खाना हो अच्छा अच्छा माहौल हो और जैसे बना हुआ है आपने देखा कि ये आप हमारे डिफरेंट सेक्शन है और कहीं भी कोई एक्सेस की पाबंदी नहीं है सारी तरफ से आप आराम से निकल भी सकते हैं घूम सकते हैं सारा फूड लेकर कोई कंजेशन नहीं होती इवन

Literally, I come here like every weekend with my parents and like, you know, I recommend this to my friends that are watching here. Uh, I like the handi kadai uh, uh, along with the veggie fries and fish pakora as well. And I would recommend the kadai because they're really good. Okay, so to be honest, like, cause as soon as you enter the building, you can see all the culture things that are available from Pakistan, from the different cities. And it kind of gives you that, like, you know, your home again, and it gives you the sense of vibe as well. हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कम्युनिटी की जान हर दिल अजीज शख्सियत और जिसको हम हर जगह पे देखते हैं सफदर साहब सफदर साहब यहाँ पे ब्रैमटन से इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे हैं माय नेम इज़ मायने हुसैन एंड आई मॉन्ट हेर यूर ऑफ कैंडिडेट फॉर द ब्यूटीफुल रॉइडिंग ऑफ ब्रैमटन सेंटर तो इस वक्त हम विलेज टेस्ट के अंदर खड़े हैं तो स्पेशली अपना फैसल चटा साहब के हवाले से ये मैं स्ट्रॉगली रिकमेंड करूँगा पिछले तकरीबन डेढ़ दो साल से हमने जितने भी यहाँ पे इवेंट किए हैं और जितने दोस्तों को यहाँ पे ले आए एक तो हर एक दोस्त ने खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ की है खाने के हवाले से जो उनके कमेंट्स थे वो बड़े पॉजिटिव थे और सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जिन दोस्तों को हम नए गेस्ट के हिसिये से यहाँ पर लाते थे उन दोस्तों ने इंडिविजुअली बाद में मैंने देखा कि वो दोस्त अपने मज़ीद दोस्तों को अपनी मजीद फैमिली को यहाँ पे वेस्टेज पर पे लेके आए हैं रीज़न क्या थी कि क्वालिटी सर्विस है जो फूड है उसका जो स्टैंडर्ड है और क्लिनिक के हवाले से ये चीज़ें इनकी टॉप लिस्ट पे हैं और मैं पर्सनली इस चीज़ को यानी कि देख भी रहा हूँ एक डेढ़ साल से और स्ट्रांगली रिकमेंड भी करता हूँ कि टैग टीवी के हवाले से जो व्यूअर हैं जो मुझे देख रहे हैं आ, सब आए इस यहाँ पर एक दफ़ा आप गारंटी देता हूँ आप एक दफ़ा आएँगे खाने के लिए तो आप दोबारा और बंदू को यहाँ पर लेके कर आएँगे वेरी गुड सफदर भाई और यकीन है यही सफदर भाई की जो मैं कहता तो हूँ सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं मेरिट पर तारीफ़ करते हैं और यहाँ पर आते हैं तो इसी वजह से इन्होंने इतना अच्छा कहा आप पर्सनली क्या पसंद करते हैं बिरयानी मटन चरगा या यहाँ पर सलाद आपको क्या पसंद है अच्छा मुझे तो प्रीटी मच इनकी सारी चीज़ें पसंद है लेकिन जब मैं ज़्यादा यहाँ पे आता हूँ इनके जो चिकन कबाब हैं या जो फ़िश के हवाले से हैं वो सारी टेस्टी हैं जब भी आता है सबसे क्वालिटी की बात यह जब हम यहाँ पे आते हैं खाना लेने जाते हैं तो फ्रेश खाना आपको मिलता है और ऐसे लगता है कि जब एक मिनट पहले उन्होंने सर्व किया है तो बिरयानी के हवाले से बिल्कुल टेस्टी है और स्पेशली इनकी जो वेजिटेबल्स हैं जिसमें ओखड़ा है हम भिंडी कहते हैं वो बड़ी टेस्टी है और इनकी जो दाल माश है वो बड़ी मशहूर है हाँ बिल्कुल आएँ आप टेस्ट करें और आप इंजॉय करेंगे वेरी गुड वे नहीं माशाल्लाह को किसी भी गाने को मैंने कहा स्पेशल किया है सबकी तारीफ कर डाली। ये जो शख्स है या ये जो नौजवान है इसका नाम इशफाक अहमद है और ये हमारी इसी प्रोग्राम का जो अभी आप देख रहे हैं इसी प्रोग्राम के डायरेक्टर है ये बजाते ख़ुद एक न्यूज़ कास्टर रहें खैबर टेलीविजन इस्लामाबाद में न्यूज़ न्यूज़ कास्टर थे इसके अलावा ये जो है रोड शो करते रहे रोड शो में मैं इनको सपोर्ट करता था कि आप रोड शो करें इतियात के साथ और अब जो है टेक टीवी में यहाँ पे ये टेक्निकल डिपार्टमेंट है इसके हेड है यहाँ पर तो इश्वाक भाई ने मुझे बताया कि दाऊद भाई इस तरह है कि मैं यहाँ पर दो तीन दफ़ा फैमिली के साथ आया हूँ और ये इसका एक ऑनिस्टी ओपिनियन है तो मैं इस सोचता हूँ कि इश्क का ओपिनियन बड़ा इंपॉर्टेंट है बीइंग ए प्रोड्यूसर बीइंग ए डायरेक्टर इश्क भाई थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम आपने कैमरे पे बड़ा काम किया एडिटिंग भी आप माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी एडिटिंग की प्रोग्राम जो है पहले ये बताया कि खाना कैसे था थैंक यू दौद भाई और जिस तरह आपने कहा कि विलेज टेस्ट के हवाले से आप यकीन करें कि जब घर वालों को हम बाहर खाने का कहते हैं तो उसका एक ही होता है अच्छा के विलेज टेस्ट तो चलते हैं मतलब इतना जबरदस्त वजह यह है कि काना तो है इनका ज़बरदस्त काना के बारे में तो मैं कह सकता हूँ जिस तरह ये लिखा है कि हाय हाय मज़े तो <laughs> मज़े हर काने हर काने वाला जो, तो वो, वो वाँगे वाँगे वाला जो है वो वो जो है वो यही कहता है कि हाय हाय मज़े तो खाना बहुत टेस्टी है लेकिन उसके अलावा जो, जो, जो है जो जो हाइजीन कैसा लगा सफाई वगैरह बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त क्योंकि जिस तरह हमने व्यूवर्स को भी दिखाया किचन और हम खुद भी अंदर गए हैं प्रोग्राम्स किए हैं यहाँ पर तो हाइजीन के हवाले से ये बहुत ही मुहतात है बहुत ही ख्याल सब कुछ ठीक हाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है लेकिन जो सकाफती जो इसने रंग दिया है यहाँ पर आप यकीन करें गेट के अंदर आप आ जाते हैं आप ये नहीं समझते कि मैं कैनेडा में हूँ इस तरह लगता है कि जैसे मैं अपने गाँव गया हूँ क्योंकि आप खेत भी देख देखते हैं, आप जो हैं चारपाइया भी देखते हैं मोड़े भी देखते हैं और कुआं भी देखते हैं जो कि कहीं भी आपको यहाँ पर नजर नहीं आता। सच ना बुलाएं गाँव से तो आप भाग के आए हैं बहरहाल कोई ऐसा मसला नहीं है अब आप मुझे इश्पा एक बात बताएं वो बात यह है कि चूंकि कोविड की वजह से सब रेस्टोरेंट बंद थे काम बड़ा सफ़र हो रहा था अभी ज़िंदगी खुल रही है आपके बरकत से मतलब ये है कि जिंदगी खुल रही है आप ही का नाम था ना जो आपने ताहिर साहब को सजेस्ट किया था जी, जी, जी। बड़ा अच्छा नाम है मुझे बताओ जिंदगी खुल रही तो आपका मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कोविड के बाद लोगों का आना इंजॉय करना रेस्टोरेंट में आना हाउ डू यू फील दिस और आप क्या लोगों को क्या पैगाम देंगे लगता है ऐसे है जैसे दो साल जेल गुजार कर हम निकले हैं क्योंकि दो साल जो जिस तरह हमने घर में बैठ के गुजारे हैं यहाँ पे क्योंकि और मतलब जो और कंट्रीज़ हैं जिस तरह हमारा पाकिस्तान है वहाँ पर इतना वो उस तरह नहीं था जो यहाँ पर जितनी सख्ती थी और हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे दो साल बाद जो हैं थोड़ी सी नरमी हुई है ज़िंदगी खुल रही है और ज़िंदगी का मज़ा आ रहा है तो लोगों के लिए आप पैगाम ये कि आप निकलें कहाँ शना कहा घूमें फिर बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल मैं तो अपने देखने वालों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर निकलें आप बाहर आए हैं डिप्रेशन और एनजाइटी से निकल के आप जो हैं बाहर देखें और स्पेशली यहाँ पे आके आपको लगेगा कि आपको चौदह डॉलर का टिकट नहीं लेना है पाकिस्तान के लिए बल्कि यही आपको पाकिस्तान मिलेगा जी नाजरीन ये जो अभी आप हाल देख रहे हैं ये तकरीबन 130 130 एक सौ तीस लोगों की गुंजाइश यहाँ पे है और ये जो हाल है इसका नाम है सिंध तो बाक़ी यहाँ पे भी, भी तकरीबन जो इन लोगों ने डेकोरेशन किया हुआ है दिल को लगती है वेरी टची जी सर जी आ, बिल्कुल इसकी हंड्रेड थर्टी कैपेसिटी है और नाम क्योंकि सारे दरिया इसमें गिरते हैं तो सिंध नाम है और बाकी आपने पीछे देखा कि इसका हमने टच लिया था रिसेंटली इस पर काम किया है पेशावर अंदरून पेशावर अंदरून लाहौर मिक्स जो है ना दरवाज़ा और विंडो जिस तरह होती थी घरों की उसको एक बनाया हुआ था कि छोटी मोटी पार्टियों को डिकोर भी ना करे पर अगेन क्योंकि पार्टियाँ भी जो जो आती हैं वो दे दे लाइक टू हैव अ कल्चरल स्टाफ आपको पता है मेहंदी की पार्टियों में ये स्टाफ बड़ा चलता है तो कोशिश कर रहे हैं इस पर काम करते हैं गुड़ यार आपने बातों बातों में फिर पेशावर याद करा दिया हम चलते हैं दूसरे हालों की तरफ ये चीज़ तो आपको पता है ये पूरे पाकिस्तान में है ये किसी भी सिटी में है किसी भी गांव वाले एरिए में जाएं तो उन ये कुआँ मिलता है पानी इधर से निकलता था फिर आपको पता है बैल वाला कुआँ होता था खेती बाड़ी करने के लिए तो ये उसी का एक स्टाइल है लेकिन हमारा तो ये बाल्टी से क्योंकि जो घरों में पानी पीने के लिए जाया जाता था कुओं से तो उसका कॉन्सेप्ट एक बनाया हुआ है एक थोड़ा सा टच देने के लिए बस बदकस्मत ये है कि अभी भी हम आस पास ही है थोड़ी तरक्की तो अलहदल्ला की है ऐसा नहीं है लेकिन अभी भी कभी बिजली होती नहीं होती तो बाल्टी तो हम उधर ही अभी भी वो काम चला रहे गाँव में बड़ा मसला नहीं है उधर हमारा काम अभी भी बाल्टी से चल ये बताए ये अभी अभी ये ये आपको इसफाक भाई बताएँगे दिखाएँगे अभी ये इशफाक भाई आपको ये दिखाएंगे ये जो आप विलेज विलजेस के लोगो भी ऊपर लगा हुआ है ये 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 आपने बड़े केयरफुली सेलेक्ट किए हैं या क्या मतलब गने की के खेत के, के साथ में क्या है सिर्फ गने के हैं जी ये सिर्फ गन्ने के खेत हैं ये बाकी बड़ी केयरफुली इस पर बड़ा एक डेढ़ महीना लगा है इसको चूज करने में सिर्फ तो बनने में और पेस्ट होने में तो इतना टाइम नहीं लगा लेकिन ये प्योर हमारा पंजाब का जो कल्चर है ना जिसमें जो हमारे गांव में आप समझ लीजिए मेरे गांव के नज़दीक का ही है तो ये उसी का है, साथ वो कमरा उस तरह बना हुआ उसमें लोग बैठे हुए ये गन्ने की फसल है रास्ता जा रहा है दैट्स दैट्स अ रियल लाइफ इन विलेज हमारी खुशकस्मत ये है कि हमने इन चीज़ों को देख देखा हुआ अब वो रास्ते थोड़े थोड़े पक्के हो गए हैं okay. वहाँ पे आप जो है क्या नाम है चंगी और ये छोटे okay. मोटे जो ट्रैलर है ये चलते रहते हैं बहरहाल अ वेरी गुड आपने इनको जिंदा रखा हुआ है अब इसके बाद आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं जी आपको आ, ये दिखाते हैं जैसे एक रूम में चनाब इससे पहले ये लिखा क्या है ये लिखा है पंजाबी में दस शाह सिक्की करिए साढ़ा कोई नाम पावे मुल देखिए अच्छा। वो पंजाबी के आपको पता है सूफ़ी शायर थे जो अगेन मैंने कई दोस्तों को कहा हुआ है दूसरी जबानों में भी मुझे मिले पश्तों के बलोची के मैं वो भी जगह आपको पता खाली छोड़ी हुई हैं ताकि उसको मैं लेख सकूँ ये शाह का कलाम था चनाब के साथ वो लिखा हुआ है सिर्फ थोड़ा लोगों को एंटरटेन करने के लिए अंदर वही उसी तरह ही है आपको पता है कि जैसे बाहर इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज है ना इसकी सेटिंग थोड़ी सी आप देखिए हाँ वहाँ पे तो ये बड़ा ज़बरदस्त हो गया मैं देखिए अब गाँव में विलेज टेस्ट इन गाँव में आप ये कंसेप्ट देखिए ये जो टेबल बने हुए हैं इसके पीछे एक फिलासफी है क्या फिलासफी है जी ये ये जैसे आप वो टेबल देख रहे हैं और रेड टेबल ख़ास तौर पे ये आपको पता है वो एक रुमाल होते थे जिसमें रोटियां करना कंदूरी जिसे हम कहते हैं Uh, वैसे रुमाल वही है जिसमें रोटियां रखते थे ताकि रोटियां गर्म रहें और वोडन जो कंसेप्ट ये जो आप देख रहे हैं या इशफाक भाई ने अभी जो दिखाया आपको ये जो कंसेप्ट है ये वही चूँकि हमारी आ, हमारे मुल्क में या हमारे होटलों में हमारे यहाँ गाँव में इस किस्म के मज़बूत किस्म के ट्रेवल हुआ करते थे ताकि आसानी से ना टूटें क्योंकि उधर गाँव में तो फिर जाहिर पता है हर किस्म का गप चलता रहता है अच्छा अब हम एक ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे जाहरी बात है जिस वक़्त रश होता है या जिस वक्त कस्टमर होते हैं तो ज़्यादा बातचीत नहीं की जा सकती जहरी बात है यहाँ पे स्पेस भी ऐसी होती हैं फिर गरम तेल भी है फिर वहाँ पे गरम-गरम रोटियाँ भी है और फिर अमजद भाई उसके अभी मूड का कुछ नहीं पता बहरहाल हम अमजद भाई से मिलने जाते हैं यहाँ के बड़े मशहूर जो है क्या नाम है कुक भी हैं असल कैसे हैं आप जी शुक्र का ठीक है कैसे हैं तो आज हम आए थे आपकी तरफ मार्शा आर्ट तो आपने इश्क भाई ये जरा आप दिखाएंगे अगर बंदी को भूख ना भी लगी तो वो बस बंदी को भूख लग जाती है बिल्कुल बिल्कुल जी हमारे जब बिल्कुल फ्रेश कढ़ाइयाँ बनती हैं तो बारबी की भी फ्रेश कढ़ाइयाँ भी फ्रेश तो भूख तो अमजद तो भाई ये बताएं कि रोज़ाना अंदाजन के हिसाब से जिस तरह आपने कहा कढ़ाई बनती हैं और बारबेक्यू बनती कितने का आइटम आप जो है कि तैयार करते हैं हमारा माशाल्लाह चिकन कढ़ाई है मटन कढ़ाई है कबाब कढ़ाई है बारबेक्यू है और ये सारा चिकन कढ़ाई भी बारबेक्यू भी और मटन कढ़ाई सारा फ्रेश बनता है और ये डिपेंड करता है कि कितना रश है तो उसी जितना रश ज़्यादा होता है उतने ज़्यादा हम बिजी होते हैं अच्छा यानी आप ये समझते हैं कि जो आपको ऑर्डर मिलता है उसी हिसाब से फिर चलते हैं बाईर बाई ऑर्डर हम उसी हिसाब से चलते हैं सही स्पेशलिटी जो आपने अभी ये बताया कि यहाँ पे इतने आइटम है आपकी अपनी पसंदीदा आइटम क्या है आ, मैं ज़्यादातर बारबीकियों को ज़्यादा फोकस करता हूँ पसंद करता हूँ और इवन कढ़ाई भी मुझे अपनी ही बनाई भी अच्छी लगती है वेरी गुड आ ये प्रोग्राम इस वक्त लाखों के हिसाब से लोग देख रहे हैं आप मुझे ये बताएं उनके लिए कोई पैगाम है आपका देखने वालों के लिए ये देखने वाले मोस्ट वेलकम आएँ हमारे विलेज टेस्ट पे और टेस्ट करें कढ़ाई वगैरह बारबेक्यू वगैरह और वो खूब ख़ुद ही अपना फ़र्क बताएं कि मार्केट से उनको क्या फ़र्क नज़र आता है सही आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं आप ये समझते हैं कि आपका टेस्ट जो है क्योंकि नाम है विलेज पर टेस्ट आपका टेस्ट जो है दूसरों से बड़ा बेहतर है थैंक यू वेरी मच अमजद भाई फिर आपसे मुलाकात बहुत शुक, बहुत शुक्रिया जी थैंक यू थांक। फैसल ने कमाल ये किया हुआ है कि इस होटल में मल्टी कल्चर है जिस तरह इन्होंने हाल के नाम रखे हैं इसी तरह यहाँ पर मल्टी नेशनल किस्म के लोग हैं हमारे साथ एक अफगानिस्तान से हमारे भाई हैं हमीद नाम है ना आपका अमित भाई इधर है लेकिन उसको उर्दू भी आती है इसको फारसी भी आती है और इसको इंग्लिश भी आती है मुझे ये बताया अमित भाई कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे खाना कैसा है इस होटल के हवाले से आपका काम कैसा है और आपका तजुर्बा कैसा रहा बहुत ज़बरदस्त और सब खाना जो है ताज़ा बासी हम नहीं बेचते बहुत अच्छा बहुत ज़बरदस्त खाना इस होटल में पकाता है हमारे पास हमारे साथ दो शेफ़ है बहुत अच्छा काम करता है और बहुत साफ सुथरा रेस्टोरेंट है आपको क्या पसंद है आपको यहाँ के नान पसंद है आपको यहाँ के ब्रंच पसंद है आपके यहाँ पे क्योंकि यहाँ तो पे तो गंदा गंदाया बनता नहीं है सब कुछ सब कुछ नान फ्रेश है सब फ्रेश है हाँ बहुत बहुत अच्छा कहां है अफगानिस्तान में कहाँ से हैं आप मैं मैं काबुल का हूँ काबुल तो बड़ी काठी परवान वहाँ पे वजीर अकबर खान से सो कोई कोई पैगाम अफगान भाइयों के लिए यहाँ पे जो रह रहे हैं इस रेस्टोरेंट के हवाले से कोई मैसेज आप देना चाहेंगे हाँ क्यों नहीं मैं आर दोस्त को बोलता हूँ विलेज टेस्ट बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट साफ है साफ़ सुथरा है लोग अच्छा है फैसल साहब हमारे बॉस जो है बहुत अच्छा आदमी अच्छा 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 है गुड जॉब थैंक यू वेरी मच तो अभी आप रहे थे हमारे जितने भी दोस्त वह रहे यहाँ का चक्कर ज़रूर लगाएँ फैसल भाई मुझे ये बताएं कि ये जो तंदूर है ये कहाँ से आप लोग ले यहाँ लोकल मेड है या वहाँ से लेके आए आएँ दूसरा ये कि बिल्कुल आप इतनी गरम गरम यहाँ पे कुल्छे नान रोटियाँ और इसका जो यहाँ पे कारीगर है ये भी मतलब वन ऑफ़ द आई मीन द स्पेशल कारीगर आपने कहें क्योंकि आपका टेस्ट और आ, आप जो एज लेके जा रहे हैं कि वी आर नंबर वन या वी आर स्पेशल तो क्या आ, ये भी बताएं और ये कारीगर कहाँ से मिले ली लोकल या बाहर से लेके आए नहीं नहीं कारीगर यहीं से हैं ये हमारे इलाके के गुजरा वाला के ये माशाल्लाह इनके हाथ में बड़ा जादू है नान का भी और वाले वाले सारे खाने वाले वाले सारे मतलब सही ना खाना इन लोगों ने सही का है हां जी। हां। खाना इन्हीं लोगों ने सही कराया है आसम भाई तो उनके हाथ में जादू है और दूसरा तंदूर आप ये इक्विपमेंट दौद भाई सब भी यहीं से मिलता है सर हम बना बनाया यहाँ से मिलता है और यहाँ के हिसाब से सर्टिफाइड होता है वो इक्विपमेंट यहीं का होना चाहिए आसिम भाई मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह गुजरा वाले से और अगर रश बन जाए पार्टी हो यहाँ पे तो हजारों लोग आते हैं फिर क्या कैसे मैनेज कर जाते हो कोई मसला नहीं है नान तो लगाते हैं हम कोई मसला नहीं वैसे भी पार्टी होती है यहाँ हजार लोग पाँच लोगों की तो अल्ला कोई अल्ला मसला नहीं होता मैनेज कर जाते हैं अलहमदिल्ला जी नाजरीन तो ये था आज का कम्युनिटी राउंडअप और अब टाइम आ गया है कि मैं घर जाऊं और आप लोग जो है क्या नाम है यहाँ का टेस्ट टेस्ट करने के लिए विल टेस्ट ज़रूर तशरीफ़ लेके आइएगा फैसल भाई थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और आखिर में अगर आप कम्युनिटी के को कोई मैसेज देना चाहें तो ज़रूर दे दें कम्युनिटी के लिए ये है कि आपको पता है सारे बिजनेस मैं कलेक्टिव बात करूँगा कि वो दे दे सफर तो आप प्लीज़ सभी को सभी को सपोर्ट करें और इन हमारा टेस्ट भी ज़रूर करें वो विल नॉट लेट यू डाउन हमारा मकसद है कि अपने बच्चों को इस कल्चर से जोड़े कल्चर से जोड़े रखना तो इन आप इसमें एवरी सीजन कुछ ना कुछ चेंजिंग देखेंगे और हमारा एड्रेस जो है आप सबको पता ही है फोड़ी वन फोड़ी वन रोड में से डिक्सी और रैथपन के कॉर्नर में है राकवुड मॉल है इसके ईस्ट साइड पे इसकी एंड्रेस है हमारा फ़ोन नंबर नाइन ओ फाइव टू थ्री टू थ्री सिक्स सिक्स थ्री और जाते जाते मैं एक ज़रूर करूँगा कि प्लीज़ अगर कोई भी वॉल्टियर हों प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी और ताकि मैं फूड वेस्टेज कम से कम उसको डोनेट कर सकूँ और आ, टैग टीवी का खास तौर पे बहुत बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे दाऊद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत प्यार करने वाले हैं प्लीज़ इनके लिए भी खास दुआ कीजिएगा